नमस्कार दोस्तों, आज मैं निषाद जाति के ऊपर जो है इस वीडियो को पूरे फोकस करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि जो एक भाई है उन्होंने कमेंट किया कि जो निषाद जाति, जब भी आप केवट जाति, मल्लाह जाति, भोई जाति सभी के ऊपर जो है वीडियो लाए तो निषाद जाति को आखिर क्यों छोड़ दिया। तो मैंने उनसे वादा किया कि निषाद जाति को लेकर भी मैं वीडियो लाऊंगा और समझाऊंगा। तो आज मैं निषाद जाति को लेकर जो है वीडियो ले आया है। देखिए, निषाद कहने का मतलब क्या है भाई? निषाद जो है वो मछुआरे समाज को कहा जाता है, लेकिन कई उपजातियां हैं, कई नामों से जाने जाते हैं। पूरे भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इन सब देशों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अर्थात यह बात अब स्पष्ट हो जाता है कि ये जाति जो है, अर्थात जो निषाद जाति है, वो सिर्फ भारत के जाति, इनका भारत तो पुश्तैनी मकान है, लेकिन निषाद जाति के लोग जो है अलग अलग देशों में भी पाए जाते हैं। अर्थात ये पूरे भारत के अलग अलग भागों में, जो पाकिस्तान भी तो भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी तो भारत का ही देश है और हो सकता है आगे आने वाले समय में भारत का ही हिस्सा हो। लेकिन यह जो है, क्योंकि कुछ दुष्प्रभाव और कुछ कट्टरपंथी इतिहासकारों और कुछ कट्टरपंथी सोच के कारण 1947 में आज़ाद हो गया। 70 साल हुआ है, 200 साल यह जमीन जो है गुलाम रहा है, फिर भी वापस जो है फिर इसी समाज के हाथ लग गया है और भारत फिर से यूनाइट हुआ है। जब हमारे देश 1947 में टूटे, उस समय तो लगभग 565 राजवाड़े हुआ करता था, फिर मिलकर एक हो गया। तो पाकिस्तान तो एक है, बांग्लादेश एक है, आगे आने वाले समय में यह संभव है कि जो है फिर से निषाद भाइयों का गौरव जो है उन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि उनको भारत वापस मिल जाए। सो निषाद जाति मछुआरे समाज को कहा जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज इन समाज के प्रति काफ़ी सारे भेदभाव भी हो रहे हैं, यह भी हकीकत है, समझने के लिए लोग समझ सकते हैं। प्रश्न ये आता है कि आखिर जो है निषाद किसके पुत्र हैं? देखिए, निषाद राज्य निषादों के राजा का एक उपनाम है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि इनका राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ये राजा भी हुए। इन्होंने कई ऐसे जो है स्ट्रक्चर का निर्माण भी किया था जो भारत के इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जब आप मानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यदि कोई इकलौता जो है, यदि चश्मुद्दीन जाति हम ढूंढे तो आप निषाद जाति को मान सकते हैं, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी भारत में बास करते थे। अर्थात इनका इतिहास इतना पुराना इतिहास रहा है। निषाद राजाओं का एक उपनाम है। निषाद का मतलब होता है, नी का मतलब होता है जल, और साद का मतलब होता है शासन, अर्थात जिसका शासन जल और उस वक्त खनिज संपदा पे भी हुआ करता था, उन्हें राजा या निषाद कहा जाता था। अर्थात यह इसीलिए निषाद राज्य का जो है राज का इन्हें संज्ञा मिला। ये संज्ञा जो है वो बेहद ही एक यूनिक, यदि हम कहें तो अनोखा संज्ञा है, जो निषाद के नाम के साथ, किसी भी जाति के नाम के साथ राज्य नहीं जुड़ा है, बस आप निषाद राज्य कहते हैं। सो निषाद राज जो है निषादों के राजा का उपनाम है। ये जो है रग वीरपुर के राजा थे, इनका नाम जो है गुह था, वे निषाद समाज से आते थे। उन्होंने ही जो है वनवास काल में भगवान राम, माता सीता तथा भैया